हे गाइस, दिस इज मनीष एंड आज के वीडियो में हम कैपजेमिनी जो कि एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी है में ऑफ कैंपस हायरिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितनी भी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो डाली जाए आपको जल्दी से जल्दी उन वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑफ कैंपस हायरिंग है, ये इंजीनियरिंग एंड एमसीए स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंड एमसीए कर रहे हैं वो इस हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो 2019 में पास आउट हो जाएंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 6 अक्टूबर है रजिस्टर करने की। उसके बाद अगर हम कंपनी के बारे में डिटेल देखें, इस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में डिटेल देखें, तो इसमें कंपनी की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसे कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जेमिनी में जो टोटल कैपजेमिनी में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो इंडिया कैपजेमिनी इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी नंबर है 1 लाख है, स्ट्रेंथ है, और जो कंपनी की अभी स्टिल ग्रोइंग है। तो आप ये सारी चीज़ें वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की रजिस्टर करने की बात करें तो 6 अक्टूबर है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब जिसे रजिस्टर करना है वो यहाँ पर आकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकता है आगे, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर हम डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करें तो देखिए भाई, इस ड्राइव के लिए पोजीशन आर करंटली ओपन फॉर द वुमन कैंडिडेट्स। नंबर वन की ओनली वुमन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है इस ड्राइव के अंदर, और जो ग्रेजुएट होंगी 2019 में। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इसके अंदर 60% मिनिमम होनी चाहिए एंड अबो होनी चाहिए 60% से 10th में, 12th में डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड एमसीए। तो जो भी आपने किया हुआ है 10th 12th के बाद, तो उसमें आपकी मिनिमम 60% होनी जरूरी है। उसके बाद जो गैप है वो मैक्सिमम 1 ईयर का गैप अलाउ है एजुकेशन में, एंड जो डिप्लोमा के बाद जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैक्सिमम जो गैप है वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कि आपका डिप्लोमा के बाद जस्ट डिग्री में एडमिशन होना जरूरी है और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, एमसीए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रांचेस दी हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी आप देख सकते हैं, ये ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो स्किल्स की बात करें तो देखिए, जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी रिटन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए एंड स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कंसल्टिंग कंपनी है, आपको क्लाइंट से भी बात करनी पड़ेगी जो कि अदर कंट्री के भी होंगे। तो उस परस्पेक्टिव से आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, रिटन इंग्लिश एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो भी सेलेक्टेड होंगे उनको इमिडिएटली कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसीलिए 2019 बैच को ही कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज 19 बैच के बच्चे अभी पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर हम सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो आपको ज्वाइन करने के बाद 2 साल का आपके साथ सर्विस एग्रीमेंट होगा, यानी कि आप 2 साल तक नहीं छोड़ सकते। अगर आप कंपनी को बीच में छोड़ते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट होगी, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा वापस कंपनी में। एंड जो लोकेशन है वो शिफ्ट वगैरह है ये आप सारी देख सकते हैं। उसके बाद ये इंटरव्यू की लोकेशंस है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा, पुणे। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, जिसके अंदर की एप्टीट्यूड है एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव, एंड उसके साथ रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। एंड उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अगर आप फर्स्ट को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का, जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होगी सारी कम्प्लीटली। एंड उसके बाद जो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं स्टेप सेकंड को, तो आपके उसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू है, जिसके बाद की जस्ट आपका एचआर इंटरव्यू होगा। अगर हम रजिस्टर करने की बात करें तो आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा लेआउट पूरा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको डिटेल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, आप ये सारी चीज़ें जो भी स्टार्ट में डाली हुई है ये नेसेसरी आपको जरूरी भरनी है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें स्टार्ट नहीं है आप जरूरी नहीं है कि उन्हें भरें। उसके बाद जेंडर में आप भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं, होम टाउन में आपका एड्रेस भर सकते हैं, आप स्टेट भर सकते हैं, एसएससी परसेंट यानी कि आप 10th की परसेंट डाल सकते हैं, 10th की आपकी पासिंग ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद एचएससी है, 12th की हो जाती है, इसमें 12th की पासिंग ईयर हो जाती है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, बीई है, बीटेक है, एमसीए, जो भी आपकी भर सकते हैं आप। उसके बाद आप जिस लोकेशन पे इंटरव्यू देना चाहते हैं वो इंटरव्यू की लोकेशन चूज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी है, लाइक ये भुवनेश्वर जो भी मैंने आपको पहले बताई है वो सारी है, आपको जो भी इधर सुटेबल हो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इवेंट, तो जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कहाँ से पता चला, तो आपको लाइक यूट्यूब से पता चला, तो आप देखिए इसमें सोशल मीडिया भी डाल सकते, सोशल मीडिया नहीं बोल सकते हम, अदर्स डाल सकते हैं, सोशल मीडिया जो भी आपका मन करे वो डाल सकते हो। इस तरह आप
इसको बाद में सबमिट कर सकते हैं फॉर्म्स को। इतना सा काम था और मेरी होप है कि आप लोग को वीडियो समझ आई होगी, एंड आपके लिए होप करूँगा कि आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे कैपजेमिनी के लिए। अच्छी कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इसी तरह फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।